एक गैर मुस्लिम बादशाह था, बड़ा इज्जत वाला बादशाह था, लेकिन मामला ये था कि उसका एक बेटा था और वो गोश्त खाने का आदी। क्या खाने का आदी? गोश्त, तो समझते हो ना, आता है तेलुगु में गोश्त तो समझ में आता होगा। गोश्त खाने का आदी था और बादशाह था, बड़ा इज्जत वाला बादशाह का एक मकान था, लेकिन उसका बेटा गोश्त खाने का आदी था, ये लोगों में मशहूर था, इसकी वजह से बादशाह की इज्जत डाउन हो रही थी। कब हो रही थी? बादशाह ने अपने बेटे को कई मर्तबा समझाया, मेरे बेटे मत खा, मेरी इज्जत बेकार हो रही है, मेरी इज्जत खराब हो रही है, लोग मुझे बुरा समझते हैं, हमें गोश्त नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए ये जायज नहीं है। कई गैर मुस्लिम नहीं भी खाते हैं और खाने वाले बहुत से खाते हैं। अब बादशाह तो बड़ा परेशान अपने बेटे को समझा समझा कर, लेकिन बेटा मानने को तैयार, बेटा मानने को तैयार नहीं। तो बादशाह ने उसकी बीवी से कहा, यानी बेटे की माँ से कहा कि देख, मेरी बात तो ये मानने को तैयार है नहीं, तू समझा, तेरी बात मान ले, ये गोश्त खाना छोड़ दे, लोगों में मेरी बदनामी होती है, लोग मुझे इसकी वजह से जलील समझते हैं, लोग मुझे बुरा समझते हैं। तो उन बेटे की माँ जो गोश्त खा रहा था बादशाह का, उस बेटे की माँ ने समझाया, बेटा ऐसा ना करो, तुम्हारे बाप का एक मकाम है, तुम्हारे बाप की एक इज्जत है, उस इज्जत को बाकी रखना चाहिए, उस इज्जत को महफूज रखना चाहिए। तो बेटे ने बड़ी जबरदस्त फरमाइश की, फरमाया अम्मा मैं गोश्त छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी एक शर्त है, शर्त ये है कि ये गोश्त जो मैं खा रहा हूं एक मर्तबा मेरे अब्बा को भी खिला दिया जाए। क्या कह दिया? अब बादशाह बादशाह, लेकिन बीवी के सामने किसकी चल रही है, चलती है किसी की भाई? बीवी के सामने बोलो, चलती है किसी की? बीवी ने कहा बादशाह के घरवाली ने कि अरे अपना बेटा गोश्त छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसने शर्त बड़ी जबरदस्त रखी है, उस शर्त को आपको पूरा करना ही होगा, एक मर्तबा खा लो, क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चलने वाला है, एक मर्तबा खा के टेस्ट तो कर लो, ट्राई तो कर लो, कम से कम तुम्हारे एक मर्तबा खाने की वजह से ये बेटा गोश्त छोड़ देगा, और छोड़ देगा तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी, तुम्हारी इज्जत सलामत रहेगी। चुनाचे बादशाह ने एक मर्तबा गोश्त खा लिया। क्या किया भाई? अब बेटा आकर पूछता है, अब्बा जान बताओ गोश्त छोड़ू के ना छोड़ू? क्या पूछता है? अब्बा जान बताओ गोश्त छोड़ू के ना छोड़ू? बादशाह ने कहा बेटा तुझे छोड़ना हो तो छोड़ दे, मैं तो खाता ही रहूंगा। मैं इस लतीफे से समझाना ये चाहता हूं, अगर हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत सच्ची आ जाए, अगर हमारे दिल में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जायका, मोहब्बत का टेस्ट, नमाजों का टेस्ट, रोजों का जायका, अल्लाह से डरने का टेस्ट आ जाए, तो इंशाल्लाह हमारे लिए भी जिंदगी में सारे आमाल करना आसान हो जाए। क्योंकि हमने अल्लाह की मोहब्बत का मजा अभी तक चखा नहीं है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मजा, इताअत का मजा अभी तक चखा नहीं है। अगर हम